हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज पे। दोस्तों आज हम कैमरा रिव्यू करेंगे ASUS Zenfone मैक्स प्रो M2 का और देखेंगे इसका कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है। इस फोन में जो आपको फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जिसका एपर्चर है f2.0, रियर में आपको 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसका एपर्चर है f1.8, 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है उसका एपर्चर है f2.2। तो देखते हैं यहाँ पर जो कैमरा परफॉर्मेंस है इस फोन का कैसा होने वाला है, तो आप जो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है इसके कैमरा इंटरफेस को देख लेते हैं। तो आते हैं इसके कैमरा एप्लीकेशन में। कैमरा इंटरफेस की बात करें तो इसका कैमरा इंटरफेस बिल्कुल ही सिंपल है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ऊपर की तरफ आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो ऑटो ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप उस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर ऑटो प्रो HDR स्पोर्ट्स नाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रो मोड को टैप करते हैं तो यहाँ पर आप जो है अपने हिसाब से ऑटो फोकस, ऑटो ISO वगैरह जो एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। HDR ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप HDR इमेजेस वगैरह कैप्चर कर सकते हैं, स्पोर्ट्स नाइट वगैरह जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ बगल में आपको जो है फ्लैश ऑन ऑफ ऑटो का ऑप्शन मिल जाता है और यहां पर आपको ब्यूटीफाई का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो ब्यूटीफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज हाई मीडियम लो या फिर ऑफ कर सकते हैं ब्यूटीफाई को जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है यानी कि ब्लर इफेक्ट, अगर आप बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट देना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दो ह्यूमन आइकॉन है और यहाँ पर आप बैकग्राउंड को कम ज़्यादा ब्लर करना चाहते हैं वो भी जो आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना कम करना है कितना ज़्यादा करना है आप बढ़िया आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग्स का ऑप्शन पे आएगा तो यहाँ पर आपको स्टोर लोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, पिक्चर साइज, पिक्चर क्वालिटी और काउंट डाउन टाइम्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, आप फोन या फिर मेमोरी कार्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ शॉट वगैरह, फेस डिटेक्शन का और यहाँ पर एंटी बिल्डिंग का और रेड आइस का ऑप्शन मिल जाता है और शटर साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सारे जो है आपको रियर कैमरा में जो है देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा में भी आपको लगभग जो है सेम देखने को मिलता है, बस यहाँ पर जो है प्रो मोड को हटा दिया गया है और HDR को हटा दिया गया है। यहाँ पर ऑटो ऑन ऑफ कर सकते हैं क्योंकि फ्रंट में भी आपको फ्लैश देखने को मिलता है, ब्यूटीफाई का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग्स पे आते हैं, वही सेम सेटिंग्स, कुछ भी अलग नहीं। यहाँ पर जो है सेल्फी मिरर को ऐड कर दिया गया है, अगर आप सेल्फी मिरर को एनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये जो है आपको फ्रंट कैमरा में सेटिंग्स देखने को मिलता है। बाकी वीडियो करने के लिए आपको यहाँ पर जो कैमरा का आइकॉन दिया गया है इस पर टैप कीजिएगा और यहाँ पर आप जो है वीडियो पे आ सकते हैं। वीडियो में जो है आपको माइक का ऑप्शन दे दिया गया, अगर आप जो है एक्सटर्नल माइक लगाते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली जो है आप माइक को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप जो है वीडियो को 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। वीडियो 10 मिनट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर स्टोरेज वगैरह का ये सारे ऑप्शन, स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ्लैश ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, आप जो है फ्लैश ऑन ऑफ भी कर सकते हैं वीडियो में। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा में भी आपको सेम ऑप्शन देखने को मिलता है। सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सेम ऑप्शन है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर जो है आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है, फ्रंट कैमरा में आपको 4K का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पर नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है फिल्टर का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर जो है लाइव फिल्टर देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर वीडियो या फिर इमेजेस वगैरह में लाइव फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ कैमरा सेटिंग्स वगैरह या फिर आप बता लीजिए कैमरा का रिव्यू। अब जो है आप इमेजेस देख लीजिए और डिसाइड कर लीजिए इसका कैमरा कैसा है। सो फ्रेंड्स अभी जो आप इमेज देख पा रहे हैं इसे मैंने इसके रियर कैमरा से नॉर्मल मोड में डी लाइट में कैप्चर किया और यहाँ पर इमेज क्वालिटी की बात करें तो इमेज क्वालिटी इसका काफी अच्छा है, इमेजेस ये काफी शार्प कैप्चर कर लेता है। इवन मैं अगर आपको इमेज को जूम करके दिखाऊं तो जूम करने के बाद भी आप जो है डिटेल्स को बढ़िया आराम से देख पाएगा जो कि काफी अच्छी बात है। कलर टोन की बात करें तो कलर टोन आपको यहाँ पर काफी हद तक नेचुरल देखने को मिल जाता है, हालांकि एग्जैक्ट मैं नेचुरल नहीं बोलूंगा बट काफी हद तक जो है आपको नेचुरल कलर टोन देखने को मिलता है। वही बात करें माइक्रो शॉट की तो अगर आप इसके रियर कैमरा से माइक्रो शॉट वगैरह कैप्चर करते हैं तो आपको जो है नेचुरली ब्लर भी देखने को मिल जाएगा बैकग्राउंड में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो माइक्रो शॉट है वो भी ये काफी बढ़िया कैप्चर कर लेता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वही बात करें पोर्ट्रेट इमेज की तो पोर्ट्रेट इमेज यहाँ पर ये काफी बढ़िया कैप्चर कर लेता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड ब्लर जो है इसका काफी अच्छा लगता है। इवन आप चाहे तो फोटो क्लिक करते टाइम बैकग्राउंड ब्लर को ज्यादा या फिर कम कर सकते हैं जो कि काफी बढ़िया ऑप्शन दिया गया है।
और अगर एज डिटेलिंग की बात करें तो एज डिटेलिंग जो है ये 90% जो है काफी सही कैप्चर कर लेता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने जो है काफी सारे इमेजेस कैप्चर किए थे जिनमें से कुछ कुछ इमेजेस में जो ये काफी बढ़िया तरीके से एज डिटेलिंग को कर ले रहा है जो कि अभी आपने देखा, और कुछ कुछ इमेजेस में ये जो है एज डिटेलिंग को उतने सही तरीके से नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है। जैसे कि अभी मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ, तो इस इमेज को देखिए, यहाँ पर जो है आपको देखने में नॉर्मल इमेज काफी बढ़िया लग रहा है, बट अगर मैं जो है जूम करता हूँ इमेज को और आपको दिखाता हूँ हाथों की तरफ, तो यहाँ पर देखिए इसने जो है हाथों को ब्लर कर दिया है। तो यही जो है दो एक प्रॉब्लम लगा जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉब्लम है, जिसे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ठीक किया जा सकता है। बट नॉर्मली अगर आप जो है रैंडमली काफी सारे इमेजेस कैप्चर करते हैं पोर्ट्रेट मोड में, तो आपको काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये इमेज देख पा रहे हैं, इसे मैंने लो लाइट में कैप्चर किया है। लो लाइट में इसका जो इमेज परफॉर्मेंस है वो मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इमेज जो है आपको काफी ज्यादा नॉइजी नजर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालांकि कैमरा यहाँ पर काफी बढ़िया दिया गया है, बट यहाँ पर इमेज परफॉर्मेंस आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। ये हुआ है सॉफ्टवेयर की वजह से, आसूस में जो सॉफ्टवेयर दिया गया है कैमरा एप्लीकेशन का वो उतना खास अच्छा नहीं है। आसूस जो है इसे बाद में अपडेट के थ्रू फिक्स करेगा, ऐसा आसूस ने वादा किया है। तो देखते हैं अपडेट आने के बाद इसकी कैमरा में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। बट अभी के लिए अगर आप इसके रियर कैमरा से लो लाइट में इमेजेस वगैरह कैप्चर करते हैं तो आपको नॉइजी इमेज देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं फ्लैश ऑन करने के बाद अगर आप इमेजेस वगैरह कैप्चर करते हैं, तो फ्लैश ऑन करने के बाद यहाँ पर नॉइज लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है और इमेज जो है शार्प हो जाता है। वहीं बात करें पोर्ट्रेट इमेज की, तो पोर्ट्रेट इमेज यहाँ पर जो है उतना खास अच्छा नहीं कैप्चर हो पाता है, ये भी जो सॉफ्टवेयर बग की वजह से ही है। आप अगर नॉर्मली इमेज को देखते हैं तो इमेज देखने में काफी अच्छा लगता है, बैकग्राउंड भी ये काफी अच्छे तरीके से ब्लर कर देता है, बट जैसे ही इमेज को जूम करते हैं तो यहाँ पर जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट है वो जो है ब्लरिश टाइप का हो जाता है। तो जूम करने के बाद इमेज जो है उतना खास अच्छा नहीं दिखता है। तो लो लाइट में इसका जो परफॉर्मेंस है ऑल अबव उतना खास अच्छा नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं इसके रियर कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो फुल एचडी में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो कुछ इस तरह का वीडियो ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसमें जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, बट फुल एचडी में ही आपको जो है स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन दिया जाता है, इस वजह से मैं फुल एचडी में ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आवाज़ जो सुन पा रहे हैं वो इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड किया गया है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको सुनने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको चल के दिखा दे रहा हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख काफी कम नजर आ रहा होगा, अब मैं दौड़कर आपको दिखा रहा हूं, तो यहां पर देख पा रहे इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है, आपको जो है अंदाजा हो गया होगा। बाकी बात कर लेते हैं फोकस की, तो यहां पर इसका जो फोकस है वो काफी फास्ट है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं काफी फास्ट तरीके से ये फोकस ले रहा है, तो फोकस के मामले में जो है आपको कोई भी इश्यू नहीं नजर आएगा। सो फ्रेंड्स, अब जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं लो लाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके रियर कैमरा से, और लो लाइट वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा ब्लरिश नज़र आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पर जो है नज़दीक ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे वीडियो कितना ज़्यादा ब्लरिश, और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो लो लाइट में इसका वीडियो परफॉर्मेंस उतना खास अच्छा नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, और साथ साथ वीडियो जो है सही से फोकस नहीं ले पा रहा है, और यहाँ पर जो है टैप टू फोकस भी अवेलेबल नहीं है, जिस वजह यहाँ पर मैं टैप करके भी जो है फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये सेल्फी देख पा रहे हैं इसे मैंने डे लाइट में कैप्चर किया है। डे लाइट सेल्फी परफॉर्मेंस की बात करें तो डे लाइट में इसका सेल्फी परफॉर्मेंस आपको एवरेज देखने को मिलेगा, ना ही ज़्यादा अच्छा ना ही ज़्यादा बुरा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कलर टोन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है हल्का सा येलो टोन ज़्यादा देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पर कलर टोन जो है ठीक ठाक ही आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं आपको सेल्फी को जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर जो डिटेल्स है सेल्फी का वो ये काफ़ी बढ़िया कैप्चर कर लेता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट सेल्फी वगैरह कैप्चर नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल के लिए, जल्दी जो है आसूस एक अपडेट प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप पोर्ट्रेट सेल्फी वगैरह कैप्चर कर पाएगा, और जो बग वगैरह है उसे भी जो है ये फिक्स करेगा। बात करते हैं लो लाइट सेल्फी परफॉर्मेंस की, तो लो लाइट में भी इसका सेल्फी परफॉर्मेंस ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत जो आपको सेल्फी में नॉइज देखने को मिल जाएगा, बट मैं बोलूंगा ठीक ठाक जो आपको लो लाइट में सेल्फी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और अगर आप जो है एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में, तो आप जो है फ्लैश ऑन करके सेल्फी वगैरह कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप जो सेल्फी देख पा रहे हैं, मैं जो है एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में था और मैंने सिर्फ फ्लैश की मदद से जो है सेल्फी लिया है, तो यहाँ पर इसका जो फ्लैश है वो काफी दमदार दिया गया है। आप डेफिनेटली जो है लो लाइट में फ्लैश की मदद से सेल्फी वगैरह कैप्चर कीजिएगा, तो यहाँ पर जो सेल्फी है वो जो है आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगा।
सो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो जो फुल एचडी में रिकॉर्ड किया जा रहा है, फ्रंट कैमरा में आपको फुल एचडी तक की ही वीडियो के रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर मैं फुल एचडी में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आवाज जो सुन पा रहे हैं वो इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड किया गया, जो कि कुछ इस तरीके से आपको सुनने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी की बात करें तो फ्रंट कैमरा का वीडियो क्वालिटी जो है ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर मेरे चेहरे की तरफ नजर डालिए तो काफी रेडिश टाइप का जो है मेरा चेहरा कर दिया गया है। तो फ्रंट कैमरा में थोड़ा बहुत अपडेट आने के बाद हो सकता है ये जो है वीडियो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और यहाँ पर वाइड एंगल काफी कम मिलता है आपको फ्रंट कैमरा में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं जो है फोन को काफी दूर रखा हूँ, फिर भी यहाँ पर देखिए काफी कम मेरे को दिखा रहा है। तो यहाँ पर वाइड एंगल में जो है इसके फ्रंट कैमरा का कम है। हालांकि फ्रंट कैमरा में आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ मैंने देखा था इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं चलते हुए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी कम शेक नजर आएगा फ्रंट कैमरा में, क्योंकि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं पोजिशन को चेंज करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक्सपोजर भी चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा। एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छे तरीके से चेंज कर लेता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं लो लाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके फ्रंट कैमरा से। अगर आप लो लाइट में इसके फ्रंट कैमरा से वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नॉइज आपको काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहा है और इसके फ्रंट कैमरा में उतना ज़्यादा वाइड एंगल नहीं है। तो यहाँ पर वीडियो क्वालिटी लो लाइट में जो है उतना खास नहीं रिकॉर्ड कर पाता है इसका रियर इवन फ्रंट कैमरा। हालांकि अपडेट आने को अभी बाकी, अपडेट आने के बाद हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट अभी के लिए ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा कैमरा रिव्यू ASUS Zenfone मैक्स प्रो M2 का। मेरी ओपिनियन की बात करें तो मुझे इसका कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसके फ्रंट कैमरा में पहला तो आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ASUS ने वादा किया है पोर्ट्रेट मोड जो है इसके फ्रंट कैमरा में दिया जाएगा OTA अपडेट के थ्रू, बट फोन लॉन्च करते टाइम इसे देना चाहिए था बट उन्होंने नहीं दिया। OTA अपडेट के थ्रू देंगे तो ये जो है नाइंसाफी वाला बात है एक तरीके से, तो मुझे ये चीज जो है नहीं अच्छा लगा। प्लस अगर आप डे लाइट में इमेजेस वगैरह कैप्चर करते हैं तो आपको ठीक ठाक सेल्फी इवन ठीक ठाक जो है रियर कैमरा इमेजेस पोर्ट्रेट इमेजेस वगैरह देखने को मिल जाता है, बट लो लाइट में जो है इसका कैमरा परफॉर्मेंस एकदम घटिया है। लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा आपको नॉइज देखने को मिलेगा, इमेज में, वीडियो में, इवन सेल्फी कैमरा में भी जो है आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में जो है ये उतना खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, स्पेशली लो लाइट में। हालांकि ASUS ने वादा किया है OTA अपडेट के थ्रू जितने भी बग है, जितने भी सॉफ्टवेयर इशू है, इसे ठीक किया जाएगा, बट यहां पर अभी फिलहाल के लिए आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और देखते हैं OTA अपडेट आने के बाद इसका कैमरा परफॉर्मेंस जो है कैसा होता है, अच्छा होता है या फिर बुरा होता है, जिसे मैं जो अपने चैनल पर बताता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ उस बेल वाले आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर इस फोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए RJ टेक्निकल्स के साथ।